अच्छी जिंदगी गुजारना है तो अपने हुनर को बेहतर करने पर तवज्जो देना होगी। लाहौर में स्किल्स फॉर लाइफ के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों ने उभरते हुए हुनर पर रोशनी डाली। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में PNY के 5वें कॉन्वोकेशन में स्कॉलर्स फॉर लाइफ का इनकाद हुआ, जिसमें तर्जमान पंजाब हुकूमत मसर जमशेद चीमा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तर्जमान पंजाब हुकूमत का कहना था कि हुनरमंद नौजवान दुनिया में पाकिस्तान को मसाले मुल्क बना सकते हैं। पाकिस्तान को इसी तरह की जो लीडरशिप क्वालिटीज वाले बच्चे हैं, स्किल्ड बच्चे, ट्रेन बच्चे, उसकी जरूरत है। हमारी पॉपुलेशन तो 22 करोड़ है, लेकिन क्या इस 22 करोड़ में से हमने कितने इस मुल्क को ऐसे ब्रेन्स दिए जो फुल ऑफ स्किल्स थे। दिगर मुकर्ररीन का कहना था कि हमें अपनी जिंदगी मुस्कुराते हुए और खुश होकर गुजारनी चाहिए और अपने अंदर के लीडरान को दरियाफ्त करें। राजा यासर हमायूं बोले कि बाहुनर लोग मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप को समझना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप बजाय कि किसी और की नौकरी करें, बेहतर है कि आप अपना बिजनेस, अपना सेटअप इस्टेब्लिश करें। और जिस तरह की स्किल सेट बहुत सारे लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं, वो उनको जरूर हेल्प करेगा कि वो खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकें। PNY के जेर तमाम नौजवानों को हुनरमंद बनाने और मौजूदा दौर के स्कॉलर्स की अहमियत और अफादियत के लिए इवेंट का इनकाद किया गया। अख्ताम पर तकरीब के शुरका में आजादी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन राना जैन के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर।